इस आधार पे कि ये भारतीय सेना के सैनिक है, इस आधार पे इनको इस बात की लिबर्टी बार बार नहीं दी जा सकती कि इनको ये बार बार कोर्ट को एड्रेस कर रहे हो उनके चाहने के हिसाब से। मुझे अभी मजबूर किया जा रहा है कि मैं इन हाईकोर्ट जजों के ऊपर केस लगाऊं जिन्होंने ये डिसमिस किया है विदाउट वेरीफाइंग एंड एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्स। चाहिए तो मैं चरण स्पष्ट करता हूं क्योंकि मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। मैं जब तक इसको पेंडिंग नहीं दीजिए मैं सुप्रीम कोर्ट जाके मेरे केस को ट्रांसफर के लिए ट्राई करता हूँ। कम इन दिस यूनिफॉर्म इन व्हाट कैपेसिटी सर? आई एम टेलिंग यू आर एन अक्यूज्ड। सर आई एम नॉट द अक्यूज्ड सर। यूनिफॉर्म सर आई एम नॉट द अक्यूज्ड सर। यू आर एन अक्यूज्ड। भाई इन्होंने क्यों मिस्टर पोलवा सर वही कागज दिए होंगे जो चार्जशीट के हिस्सा सर उसी के चार्जशीट को तो एग्जामिन कर रहे हैं। ये सर ये कुल मिला के जुडिशियल प्रोसीडिंग का ये एक इनके द्वारा जो एक मौकरी उड़ाई जा रही है सर। एफआईआर की रिट पिटीशन एफआईआर की एमसीआरसी रिट पिटीशन इनकी खारिज हो चुकी है, चार्ज के अगेंस्ट खारिज हो चुकी है और उसके अगर हंड्रेड पर अपेक्स कोर्ट ने खारिज किया जाएगा। अब ये वापस से जब 14/7 का आपका आदेश हो गया है, 20/7 का आदेश हो गया, उसके बाद दो एप्लीकेशन लेकर आ गए, एक मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया जाए, दूसरा ये कि जो आपने आदेश किया 14/7 को उसको रिकॉल किया जाए क्योंकि इनके हिसाब से ऑर्डर नहीं हुआ है। तो सर ये इस प्रकार से अभी भी इस रिट पिटीशन में उनने अपराधी उनको बनाया, आईओ को बनाया और वहाँ के सरकारी वकील को जो वहाँ पर ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ जो भी प्रोसिक्यूशन का पक्ष रखेगा उसको ये अपराधी बना देंगे अपने हिसाब से। तो सर ये तो केवल इस आधार पे कि ये भारतीय सेना के सैनिक है, इस आधार पे इनको इस बात की लिबर्टी बार बार नहीं दी जा सकती कि इनको ये बार बार कोर्ट को एड्रेस कर रहे हो उनके चाहने के हिसाब से प्रोसीडिंग चलेगी। प्रोसीडिंग एज पर लॉ प्रोसीजर के हिसाब से चली जाएगी सर। Yes. जो सबके लिए कानून है वो सब इनके लिए भी है। इनके लिए एक स्पेशल है क्या एफआईआर का कानून बदला जाएगा या प्रोसीजर बदला जाएगी कि इनका नाम रहेगा तो ही जाएगा? Yes. सर ये भारी कास्ट के साथ में और उसके साथ में हर वो ठीक सर अभी सर मेरी सुनिए सर, जब बताया कि इतने सारे केसेस डिसमिस हो गए हैं सर, तो जबलपुर में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज अभी रेणुका कंचन, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज दीपक गुप्ता एंड स्पेशल जज मनोज कुमार तिवारी एंड रविंद्र सिंह पटेल, उनके ऊपर WP नंबर 19144 फाइल की गई है सर, जिसमें रजिस्ट्री ने पॉइंट आउट किया है रॉन्गली इम्प्लीटेड, उसमें भी आई फाइल किया फॉर इग्नोरिंग ऑफ डिफॉल्ट। सर मैं नहीं चाहता था कि मैं जजों के ऊपर कोई एलिगेशन लगाऊं, इन्होंने रॉन्ग जजमेंट पास की, उन्होंने बोला कि हमने डॉक्यूमेंट दे दिए, तो मैंने उसको चैलेंज किया है रिट पिटीशन में बिफोर द जबलपुर हाई कोर्ट दैट दीज जजेस विल सप्लाई मी द डॉक्यूमेंट्स व्हिच दे हैव टोल्ड मी दैट दे हैव सप्लाई द डॉक्यूमेंट्स। अभी दो 482 डिसमिस हुई है, क्रिमिनल डिविजन डिसमिस हुई है सर। मुझे अभी मजबूर किया जा रहा है कि मैं इन हाई कोर्ट जजों के ऊपर केस लगाऊं जिन्होंने ये डिसमिस किया है विदाउट वेरीफाइंग एंड एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्स। व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू सर। सर अभी इसका आईए नंबर 5532 सुप्रीम कोर्ट जज जिसके खिलाफ आपको लगाना सर लिखे सर पिटिशनर इन पर्सन। सर मेरा रिक्वेस्ट एक और सर है, आई विल रिक्वेस्ट सर अंटिल देन मैं आपसे हम्बली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप इस केस से रिक्यूज कर दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सर। चाहिए तो मैं चरण स्पष्ट करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। मैं जब तक इसको पेंडिंग नहीं दीजिए मैं सुप्रीम कोर्ट जाके मेरे केस को ट्रांसफर के लिए ट्राई करता हूँ सर और फॉर द अदर बेंच सर। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सर, क्योंकि मुझे इस कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि पहले भी मेरी एक पिटीशन 482 डिसमिस हो गई है जिसमें कारण नहीं बताया गया, मेरे जो सबमिशंस हैं उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया गया, मेरे एक भी सबमिशन को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया सर, उसको डिसमिस कर दिया गया जिसमें मेरा 1,00,000 रुपये लगा हुआ है सर। यस मेरा इसके लिए निवेदन है इसमें कोई आदेश ना पास करके इसको एडजर्न कर दीजिए मैटर को, तो मैं ये केस सर सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहता हूँ अपने केस को ट्रांसफर के लिए सर। आई एम नॉट ड्राइंग एनी कंटेंप्ट मिस्टर अशोक। यस सर थैंक्स टू योर सर। अदरवाइज मेरा निवेदन आज जोड़ मेकिंग सच प्रेयर मेकिंग एस्पर्शंस ऑन अ जज अमाउंट्स टू कंटेंप्ट। यू कम इन दिस यूनिफॉर्म इन व्हाट कैपेसिटी सर? आई एम टेलिंग यू आर एन अक्यूज्ड सर। आई एम नॉट द अक्यूज्ड सर। यूनिफॉर्म सर आई एम नॉट द अक्यूज्ड सर। यू आर एन अक्यूज्ड, यू नो द लॉ, यू आर फेसिंग अ क्रिमिनल केस। Criminal case, there should be a document against me, sir. Document हो या ना हो, you are facing it. Sir, ये civil कपड़े में आते हैं, convict नहीं है. और you are under arrest. You can't appear in the uniform. Sir, when अभी ये जो बोल रहे हैं civil dress में, मुझे medals only High Court, Collector Office, High Court, Supreme Court में पहनने का अधिकार है. Governor के पास, not outside, sir. I am not accepting this prayer. कि जो भी judge करे, तो I will challenge his order. You are free to challenge my order.
before the Supreme Court. Sir. But I will not recuse. Yes, sir. Petitioner in person, Sri Mukesh Porwal, GF for the state, likhe. The this criminal sir, case. Memorandum 27 को पढ़ के सुना देते हैं सर. अब वो आप argue करिएगा. जिस memorandum 27 के ऊपर मुझे accused बना गया, वो पढ़ के सुनाएं. वो अभी हमारे पास issue नहीं है भाई. सर उन्होंने फाइल किया है सर उसके साथ. हाँ तो ठीक है, डॉक्यूमेंट सप्लाई करने की प्रेयर है आपकी. बनाया जा सकता. Yes. मैं बार बार वही बोला जा रहा हूँ सर कि मेमोरेंडम 27 के आधार पर एक्यूज नहीं बनाया जा सकता. एक्यूज बनाने के लिए एफआईआर चाहिए, 161 के बयान चाहिए, 164 के बयान चाहिए, दस्तावेजी साक्ष्य चाहिए. मेमोरेंडम 27 बोलता है कि मैंने आरोपी ने अशोक नागन गौडर को उधारी चुकाई है सर. इट इज सर आदेश में लिख दीजिए कि कॉपी में एफआईआर में पेटिशनर का नाम नहीं है. फिर आपने बी में लिखा है स्टेटमेंट ऑफ विटनेस अंडर सेक्शन 161. अब ये बता दें कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेस 161 है या नहीं है, ये बताएं. परजूरी इसके लगाइए. स्टेटमेंट ऑफ विटनेस 164 है या नहीं है ये बता दें सर. आप भी एग्जामिन कर लीजिए फिजिकल एग्जामिनेशन. ट्रायल कोर्ट जज ने फिजिकल एग्जामिन नहीं किया, बिना फिजिकली एग्जामिन किए उन्होंने बोल दिया दे दिया सर. फिर आपने चौथा डी में बोला द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एस्टैब्लिश द चार्जेस. चार्जेस है 467, 468, 471 फोर्जरी सर. फोर्जरी के लिए अगर कोई 420 और फोर्जरी करता है तो कोई डॉक्यूमेंट होना जरूरी है सर. उसके बिना किसी को कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा सकता सर. Yes. मैंने इसमें कई साइटेशन रिफर किए हुए हैं रिटर्न सबमिशन में सर. मेरे दो दो रिटर्न सबमिशन सबमिट किए हुए हैं सर. Yes. मैंने 207 के जो वैल्यू है 207 का कानून में जो पार्लियामेंट ने कानून डिक्लेयर किया है. Yes. तो इस चीज की मैं जांच करने के लिए बोल रहा हूं. मैं एक एक डॉक्यूमेंट लेना चाहता हूं सर. मैं चाहता हूं कि आप आदेश में लिखें कि कॉपी ऑफ एफआईआर आपने बोल दिया कॉपी ऑफ एफआईआर में नाम नहीं है. अभी 161 के बयान है कि नहीं सर. अगर 161 के बयान नहीं है तो मैं ट्रायल में किसको सर क्रॉस एग्जामिन करूं, पूरी ट्रायल में किसको क्रॉस एग्जामिन करूं सर. Yes. आप मजिस्ट्रेट के गवाह बोल रहे हैं 164. Yes. अगर मजिस्ट्रेट के गवाह नहीं है तो मैं किसको क्रॉस एग्जामिन करूं. Yes. अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सर, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही नहीं है फोर्जरी के तो आप मेरे ऊपर कैसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं केस. मैं ये चार डॉक्यूमेंट हम लोग एक बार एक करके देखते हैं सर, जिससे समय बचेगा, कोर्ट का समय बचेगा सर. मिस्टर अशोक, ये डॉक्यूमेंट्स देखने का काम ट्रायल कोर्ट का है सर. इसी के लिए तो मैंने बोला परजूरी में आप सर. ट्रायल कोर्ट ने चार्जेस आपके ऊपर फ्रेम कर दिए सर. ट्रायल कोर्ट ने गलती की है सर. ट्रायल कोर्ट ने गलती की है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट को बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट डिसाइड करें कि ये दस्तावेज है या नहीं है. अब ये ट्रायल कोर्ट में नहीं है सर. ट्रायल कोर्ट में मैं करूं क्या सर. ट्रायल कोर्ट बोलता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप हाई कोर्ट जाइए. आप हाई कोर्ट कैन डिसाइड. अगर चार्जेस क्वैश करना है तो हाई कोर्ट के पास जाइए. Yes. तो अभी यही चीज मैं बोल रहा हूं कि चार दस्तावेज है कि नहीं. नाउ वी हैव हर्ड वी हैव पास्ड द ऑर्डर सर. यही तो चीजें मैं एक एक करके मैं करना चाहता हूं कि एक एक दस्तावेज के ऊपर बात करेंगे. परजूरी सर, आपने जो परजूरी डिसमिस की आपने ये चार दस्तावेज देखे नहीं कि है या नहीं है सर. ठीक. 96.1 आज बहस करना चाहते हैं कि सर. यस सर, आज ही बहस करेंगे सर. इसी के लिए मैंने पूछा था कि कौन से दस्तावेज जो चाहिए किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए सर. तो क्रिमिनल डिवीजन मैंने सर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 फाइल किया था सर बिफोर द ट्रायल कोर्ट. आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे आदेश दिया था जो पेज जो एनेक्सर ए में है पेज नंबर 10 और 11 सर. पेज नंबर 11 में द कोर्ट शैल गिव द कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ 207 ऑफ द कोड. आपने एक प्रोसीडिंग में बताया क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या लगाया था, क्या हुआ सर. सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट के ऊपर डिसाइड करने के लिए बोला है सर. नहीं नहीं, ये आपने 27/3 को कुछ बताया था इनकम्प्लायंस. हाँ सर, वही 17 अप्रैल को जो आदेश पास हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है वो मेरिट में डिसाइड किया जाए. तो सर ये मैंने 207 का सुप्रीम में आप चैलेंज क्या कर रहे हैं रिवीजन सर. 2 फरवरी 2023 का आदेश चैलेंज कर रहा हूँ जिसमें कोर्ट ने मेरे ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना डाला है बार बार 91 की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए सर. एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 रीड विद सेक्शन 207 फाइल करने के लिए बार बार आदेश दिया फाइल करने के लिए सर. अभी चैलेंज हो गया है ये बार बार नकल आवेदन लगा के. आप इनकी एप्लीकेशन देखिए सर. सर एक मिनट साहब ने पूछा है तो मुझे सर जनरल नहीं मिस्टर पोरवाल जी सर कम आउट विद दिस
कि कौन कौन सी रिविजन। इसका मतलब है कि गवाहों के बयान कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं है सर। सर सर एक मिनट कंप्लीट कर लें सर, ठीक है वो डिस्टर्ब हो जाएगा सर। नहीं नहीं सर, इस ऑर्डर का मैं बता रहा हूँ सर। उसके बाद उन्होंने एक विशेष टिप दी जाती है कि आवेदन उसके पास उपलब्ध चलान की प्रति और दस्तावेज तथा अपने अधिवक्ता सहित न्यायालय पर उपस्थित होकर न्यायालय का अभिलेख कर अवलोकन कर पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा सर। यदि ऐसा होना पाए तो सर मैंने आवेदन पुनः, जब ये मिला नहीं हमको तो मैंने पुनः आवेदन डाला कि ये दस्तावेज मिला नहीं है तो आप स्टेट को बोलें कि ये दस्तावेज दे दे, क्योंकि आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, कोर्ट के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। हमने कोर्ट के रिकॉर्ड को भी ढूंढ लिया सर। तो जज साहब ने उस पिटीशन को डिसमिस करके मेरे ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना डाल दिया सर। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा जो एप्लीकेशन है सर, वी आर गिविंग यू टाइम सर, जो भी क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया है जी, है ना, तो एक बार पूरा थोड़ा मैं देख निकालिए पूरा सर, मैं देख लेता हूँ। क्योंकि मेरा सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आज यहाँ पर ट्रेन बंद है सर, मैं कैसे कैसे गणपति हमारे सर, जो चीज सच्चाई है सत्य के ऊपर केस को डिसाइड करें सर। अगर मेरे खिलाफ 4 दस्तावेज ये नहीं है तो चार्जेस क्वैश कर दिया जाए। आपने रिकॉल से तो मना कर दिया है सर उसको, मैं दोबारा एक और बार निवेदन करता हूँ, उसको कंसिडर करें और उसको रिकॉल करें सर। और मेरा स्टेट से निवेदन है कि वो कोर्ट के अंदर सत्य रखें कि कोई किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाए सर। तो सर मेरा यही चीज है, इस एप्लीकेशन में मैंने भी यही मांगा है। और मेमोरेंडम 27 जो एक्यूज के ऊपर आरोपी बनाया बोल रहे हैं स्टेट, उसको जोर जोर से कोर्ट में पढ़ के सुनाया जाए कि एक्यूज ने क्या बोला, क्या उसके ऊपर मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आरोपी ने बोला मैंने 18 लाख रुपए चोरी के पैसे से एक्यूज को चुरकाया, अगर वही पैसे मैं गवर्नमेंट एडवोकेट को दे दूं तो ये भी आरोपी बन जाएंगे क्या, मैं इन भाई को दे दूं ये भी आरोपी बन जाएंगे सर। ठीक, अगर किसी एक्यूज ने चोरी का पैसा मुझे दे दिया, उधारी चुका दी, तो उसमें मेरी क्या गलती है सर? फाइल करिए भाई सर, सत्य को फाइल करें। अगर जिस पुलिस वाले ने गलती की है उनको कानून के सामने लाया जाए सर। ठीक।